चलिए फ्रेंड, आज का जो अपना टॉपिक है, व्हाट इज कूलिंग रेंज अप्रोच एंड इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी ऑफ कूलिंग टावर को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इस कूलिंग टावर में कूलिंग रेंज कितना होता है, इसका अप्रोच कितना होता है, और फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इस कूलिंग टावर का इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके बारे में हम लोग आज डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कूलिंग टावर का फंक्शनिंग के लिए हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग नेचुरल ड्राफ्ट का अलग सेपरेट वीडियो बनाया है और मैकेनिकल ड्राफ्ट का अलग वीडियो बनाया है। अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, प्लीज उस वीडियो को देख लीजिएगा। फ्रेंड, अभी हम लोग समझ लेते हैं इस कूलिंग टावर में कूलिंग रेंज क्या होता है, अप्रोच क्या होता है, और फ्रेंड्स इसका इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी क्या होता है, और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसको हम लोग डिटेल से स्टडी करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कूलिंग रेंज क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग तो समझते हैं कि रेंज का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स, रेंज को हिंदी में बोलते हैं क्षेत्र। और फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं, इस कूलिंग टावर का फंक्शन क्या होता है कि वाटर को ठंडा करना। यानी कि फ्रेंड्स, जैसे ही कंडेंसर का हॉट वाटर यहां पे कूलिंग टावर के अंदर एंटर करेगा, इसको हम लोग क्या करते हैं, यहां पे ठंडा कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ एयर। फ्रेंड्स, इस पानी को एयर द्वारा हम लोग कितना ठंडा कर पाते हैं, यही इसका रेंज होता है। तो फ्रेंड्स, इसका रेंज हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि जो वाटर इसके अंदर इन कर रहा है उसका टेंपरेचर कितना है। और फ्रेंड्स, यह पानी ठंडा होने के बाद जब सम्प में कलेक्ट हो जाता है तब इसका टेंपरेचर कितना है। अगर यह दोनों टेंपरेचर हम लोग को पता होगा तो हम लोग रेंज इजीली कैलकुलेट कर लेंगे इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करके। तो फ्रेंड्स, इसका रेंज अगर कैलकुलेट करना हो तो रेंज इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स हमारा, यह जो हॉट वाटर है, हॉट वाटर टेम्परेचर माइनस कर देना है फ्रेंड्स, ये जो हम लोग का कोल्ड वाटर कलेक्ट हो रहा है, यानी कि कोल्ड वाटर टेम्परेचर, या फ्रेंड्स आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इनलेट टेम्परेचर माइनस आउटलेट टेम्परेचर अगर कर देंगे तो हम लोग को क्या पता चल जाएगा, कूलिंग रेंज पता चल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि इसका रेंज कितना आ रहा है। तो इसका मान लीजिए फ्रेंड्स कि जो वाटर इन कर रहा है इसका टेम्परेचर कितना है, 38 डिग्री सेल्सियस है, यानी हॉट वाटर का टेंपरेचर 38 डिग्री सेल्सियस है, और यहां पे ठंडा होने के बाद जो सम्प में वाटर कलेक्ट हो रहा है यानी कोल्ड वाटर का टेंपरेचर कितना आ रहा है, 30 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, तो 30 लिख दे रहा है। तो फ्रेंड्स, इस दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है, 8 डिग्री सेल्सियस। तो इसका रेंज कितना हो गया, 8 डिग्री सेल्सियस इसका रेंज हो गया। अब फ्रेंड्स, इसका हम लोग बात करते हैं कि यह जो अप्रोच है, अप्रोच का मतलब क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अप्रोच को हिंदी में बोलते हैं पहुंच। यानी कि फ्रेंड्स, इस वाटर का टेंपरेचर हम लोग कितना डाउन कर सकते हैं, यही इसका अप्रोच होता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग कितना डाउन कर सकते हैं, तो इस एयर का जितना मिनिमम टेंपरेचर होगा उतना तक हम लोग इस वाटर को ठंडा कर पाएंगे। फ्रेंड्स, मान लीजिए इस एयर का टेंपरेचर है 45 डिग्री सेल्सियस, यानी कि फ्रेंड्स एंबिएंट टेंपरेचर कितना है, 45 डिग्री सेल्सियस है। तो जैसे 45 डिग्री सेल्सियस का टेंपरेचर इस कूलिंग टावर के अंदर एंटर करेगा और यहां से जो वाटर एंटर कर रहा है इसका टेंपरेचर कितना है, 38 डिग्री सेल्सियस है। तो फ्रेंड्स, इस वाटर का टेंपरेचर तो ऑलरेडी एयर से कम है, तो फिर यहां पे हीट का एक्सचेंज कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, इसका हीट का एक्सचेंज करने के लिए इस एयर के अंदर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसके अंदर ह्यूमिडिटी कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है यह एयर कितना इसको ठंडा कर पाएगा। तो फ्रेंड्स, इस एयर के अंदर ह्यूमिडिटी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस एयर का टेंपरेचर मेजर करने के लिए एक थर्मामीटर यूज करते हैं, जिसमें हम लोग एक ड्राई बल्ब टेंपरेचर फाइंड आउट करते हैं, एक फाइंड आउट करते हैं फ्रेंड्स वेट बल्ब टेंपरेचर। फ्रेंड, अभी हम लोग समझ लेते हैं कि ड्राई बल्ब टेंपरेचर और वेट बल्ब टेंपरेचर कैसे मेजर किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि ये जो आपको रेड वाला डॉट दिख रहा है यह क्या है, हमारा थर्मामीटर है, और इसके नीचे ये जो आपको राउंड कलर का दिख रहा है यह क्या है फ्रेंड्स, हम लोग का इस थर्मामीटर का बल्ब है। और फ्रेंड्स, यहां पे एक स्क्वायर आपको दिख रहा होगा बॉक्स टाइप का, इस बॉक्स के अंदर क्या है, हमारा पानी भरा हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस बॉक्स के अंदर ये देखिए, ये जो हम लोग का बल्ब है वह क्या है फ्रेंड्स, पानी में डूबा हुआ है, जबकि ये जो हम लोग का बल्ब है वह क्या है, पानी से ऊपर है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो हम लोग का थर्मामीटर का बल्ब है वह पानी में इमर्ज नहीं है, यानी कि फ्रेंड्स इसका बल्ब क्या है, पूरा ड्राई है। अब फ्रेंड्स, इसको हम लोग क्या करेंगे, इस थर्मामीटर को जैसे ही हम लोग ऐसे एटमॉस्फेयर में छोड़ देंगे तो इस
इसके बल्ब पे एयर क्या करेगा, कॉन्टैक्ट करेगा। यहां पे हम लोग का एयर मान लीजिए कॉन्टैक्ट में आ रहा है, तो फ्रेंड्स इस एयर के अंदर जितना भी हीट होगा, जितना भी इसके अंदर एनर्जी होगा यानी इसका टेम्परेचर होगा, वह बल्ब क्या करेगा उतना हीट होगा, जिसके चलते इसके अंदर जो मरकरी होता है वह क्या होगा फ्रेंड्स एक्सपेंड होता है। क्योंकि फ्रेंड्स जैसे हम लोग हीटअप करते हैं तो वह एक्सपेंड होता है, और जैसे इसका टेम्परेचर डाउन होगा तो वह क्या होगा कॉन्टैक्ट होगा। तो फ्रेंड्स इसके अंदर मरकरी का लेवल क्या होगा इंक्रीज होने लगेगा। तो मान लीजिए फ्रेंड्स हमारा मरकरी का लेवल इंक्रीज होकर 45 डिग्री सेल्सियस यहां तक आ रहा है, तो फ्रेंड्स इसको हम लोग बोलते हैं कि इस एयर के अंदर टेम्परेचर हम लोग का इतना है। तो फ्रेंड्स यह जो बल्ब है हमारा क्या है, ड्राई में है, ऐसे ही एटमॉस्फेयर में नॉर्मली रखा हुआ है, तो इसलिए इसको बोलते हैं फ्रेंड्स ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो मान लीजिए फ्रेंड्स हम लोग का ड्राई बल्ब टेम्परेचर कितना आ रहा है 45 डिग्री सेल्सियस। अब हम लोग बात करते हैं इसका वेट बल्ब टेम्परेचर, यानी कि फ्रेंड्स इसका जो बल्ब है वह क्या है पानी में इमर्ज किया हुआ है, या फ्रेंड्स इसके बल्ब के ऊपर हम लोग क्या करते हैं पानी में कपड़ा भिगो करके इसके बल्ब के ऊपर रैप कर देते हैं, पूरा चढ़ा देते हैं। जैसे ही इस थर्मोमीटर के बल्ब के ऊपर भीगा हुआ कपड़ा लपेट देते हैं, अब इसी थर्मोमीटर द्वारा हम लोग उसी एयर का टेम्परेचर मेजर करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग अब क्या कर रहे हैं सेम एयर का टेम्परेचर इसी बल्ब द्वारा हम लोग क्या कर रहे हैं मेजर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स यह बल्ब क्या है इसके अंदर मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, तो एयर जैसे ही इसके कॉन्टेक्ट में आएगा तो इसके अंदर जो मॉइस्चर है वो फ्रेंड्स क्या होगा इवोपरेट होना स्टार्ट होगा, यहां से इवोपरेशन होगा। जैसे कि फ्रेंड्स हम लोग कपड़ा क्या करते हैं सुखाते हैं, तो जैसे ही एयर उसके कॉन्टेक्ट में आता है तो कपड़ा के अंदर जो मॉइस्चर है वह क्या होता है फ्रेंड्स वहां से इवोपरेट होना स्टार्ट करता है। तो फ्रेंड्स यह जो हम लोग का इवोपरेशन है यानी यहां से जो इवोपरेशन होता है वह डिपेंड करता है कि इस एयर में हमारा ह्यूमिडिटी कितना है, यानी कि एयर के अंदर मॉइस्चर कितना अवेलेबल है। अगर फ्रेंड्स इस एयर में हम लोग का ह्यूमिडिटी रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर 100% होगा तो इस कंडीशन में जो हम लोग का ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर दोनों सेम होगा, यानी कि फ्रेंड्स अगर इसके अंदर ह्यूमिडिटी कितना है 100% है तो यहां से इवोपरेशन बिल्कुल नहीं होगा। अगर इसका ह्यूमिडिटी क्या होगा डिक्रीज होगा तो यहां से इवोपरेशन इंक्रीज होता है। मान लीजिए इस एयर के अंदर जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वह बिलो 100% है, और फ्रेंड्स इस एयर का एक टेंडेंसी होता है कि अपना रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% अचीव करने का। तो फ्रेंड्स जैसे ही लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का एयर इसके कॉन्टैक्ट में आएगा, इस बल्ब के कॉन्टैक्ट में आएगा, तो यह बल्ब क्या है फ्रेंड्स भीगा हुआ कपड़ा यानी यहां पे क्या है मॉइस्चर अवेलेबल है, तो इसका जो मॉइस्चर है वह क्या होगा फ्रेंड्स इवोपरेट होना स्टार्ट होगा, और इवोपरेट होकर के इस एयर में क्या हो जाएगा एड हो जाएगा, जिससे वह क्या करेगा कोशिश करेगा अपना 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी को अचीव करने के लिए। तो फ्रेंड्स जैसे ही यहां से इवोपरेशन होगा, इस बल्ब से इवोपरेशन होगा, तो यहां पे क्या होता है फ्रेंड्स कूलिंग इफेक्ट चालू हो जाता है, यानी यहां का टेंपरेचर हम लोग का डिक्रीज होना स्टार्ट होता है। तो फ्रेंड्स जैसे ही डिक्रीज होगा तो इसका मरकरी का लेवल क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहां पे अगर हम ड्राई में देख रहे हैं तो कितना है 45 है, तो मान लीजिए फ्रेंड्स जब वेट बल्ब यहां पे जब बल्ब को भिगो के कपड़ा भिगो करके हम लोग मेजर करेंगे उसी एयर का टेंपरेचर, तो यहां पे टेंपरेचर क्या हो जाएगा डिक्रीज होगा। तो फ्रेंड्स मान लीजिए वेट बल्ब का टेंपरेचर हमारा 27 डिग्री सेल्सियस शो कर रहा है। उम्मीद करता हूं कि ड्राई बल्ब टेंपरेचर वेट बल्ब टेंपरेचर कैसे मेजर किया जाता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज हमको कमेंट कीजिए, मैं ड्राई बल्ब वेट बल्ब टेंपरेचर के लिए वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स वेट बल्ब का जो टेंपरेचर आ रहा है वो कितना आ रहा है 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि फ्रेंड्स जैसे ही एयर क्या हो रहा है वाटर के कॉन्टेक्ट में आ रहा है तो इसका टेंपरेचर कितना आ जा रहा है मिनिमम 27 डिग्री सेल्सियस आ जा रहा है, यानी कि फ्रेंड्स ये जो हम लोग का कोल्ड वाटर है इसको हम लोग कितना ला सकते हैं तो 27 डिग्री सेल्सियस, यानी इसको हम लोग कितना तक पहुंचा सकते हैं 27 डिग्री सेल्सियस। तो इसका अप्रोच कितना हो जाएगा इसको हम लोग माइनस कर देंगे, यानी कि फ्रेंड्स अगर अप्रोच आपको कैलकुलेट करना होगा तो अप्रोच इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स कि ये जो हम लोग का कोल्ड वाटर टेम्परेचर है कोल्ड वाटर टेम्परेचर माइनस कर देना है ये जो हम लोग का वेट बल्ब टेम्परेचर, यानी इसको हम लोग शॉर्ट में लिख देंगे WBT वेट बल्ब टेम्परेचर, तो हम लोग को क्या निकल के आ जाएगा अप्रोच निकल के आ जाएगा, ये कितना है 30 है और माइनस कर देना है 27 से, तो फ्रेंड्स कितना आ रहा है 3 डिग्री सेल्सियस हम लोग का क्या आ जा रहा है अप्रोच आ जा रहा है, यानी कि फ्रेंड्स इस वाटर को हम लोग और 3 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग का कितना हो रहा है 30 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग को समझ में आ गया कि रेंज क्या होता है अप्रोच क्या होता है। तो फ्रेंड अभी हम लोग समझ लेते हैं इस कूलिंग टावर का इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो फ्रेंड्स
एफिशिएंसी अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको सिंपल सा एक चीज समझना पड़ेगा फ्रेंड। अभी हम लोग समझते हैं इस कूलिंग टावर का एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। यानी कि फ्रेंड्स एफिशिएंसी ऑफ कूलिंग टावर अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इस कूलिंग टावर में हम लोग वाटर का टेम्परेचर कितना डिक्रीज कर पा रहे हैं। यानी कि फ्रेंड्स हॉट वाटर टेम्परेचर माइनस कोल्ड वाटर टेम्परेचर अगर करेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि यहां पे कितना टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। तो फ्रेंड्स हॉट वाटर टेम्परेचर माइनस कोल्ड वाटर टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, इसका कूलिंग रेंज। तो आप लिख सकते हैं फ्रेंड्स की रेंज, और इसको डिवाइड कर देना है फ्रेंड्स कि इस कूलिंग टावर के अंदर हम लोग मैक्सिमम वाटर का टेम्परेचर कितना डिक्रीज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैक्सिमम कितना डिक्रीज कर सकते हैं, तो जो हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर आया उतना कर सकते हैं। यानी कि फ्रेंड्स हॉट वाटर टेम्परेचर माइनस यहां पे जो हम लोग का वेट बल्ब टेम्परेचर है उसको अगर माइनस करेंगे तो हम लोग को डायरेक्ट निकल जाएगा कि कितना हम लोग डिक्रीज कर पाएंगे। यानी कि फ्रेंड्स इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि हॉट वाटर टेम्परेचर माइनस कोल्ड वाटर टेम्परेचर प्लस कोल्ड वाटर टेम्परेचर माइनस वेट बल्ब टेम्परेचर। तो फ्रेंड्स यहां पे क्या हो गया, हॉट वाटर टेम्परेचर माइनस कोल्ड वाटर टेम्परेचर को हम लोग क्या लिखते हैं, रेंज लिखते हैं। तो आप यहां पे रेंज लिख दीजिए और प्लस क्या कर देना है, कोल्ड वाटर टेम्परेचर माइनस वेट बल्ब टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, अप्रोच बोलते हैं। तो यहां पे आप लिख दीजिए अप्रोच, और इसमें मल्टीप्लाई कर देना है फ्रेंड्स आपको 100 से, तो हम लोग को निकल के आ जाएगा एफिशिएंसी ऑफ कूलिंग टावर। तो देखिए फ्रेंड्स हमने यहां पे रेंज कितना निकाला था, तो रेंज आया था फ्रेंड्स हमारा 8 डिग्री सेल्सियस। तो आप 8 लिख दीजिए और डिवाइड क्या कर देना है, 8 प्लस ये अप्रोच कितना आया था 3 डिग्री सेल्सियस, तो 3 लिख दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। तो इसका क्या आ जाएगा फ्रेंड्स 800, और डिवाइड कर देना है 11 से, तो यह कितना आ जाएगा आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 800 डिवाइड कर देना है 11 से, तो हमारा आ जा रहा है 72.72%। यह क्या आ जाएगा फ्रेंड्स हमारा 72.72% इस कूलिंग टावर का एफिशिएंसी हम लोग को मिल गया। उम्मीद करता हूं इस कूलिंग टावर का आपको रेंज कैसे कैलकुलेट करना है, अप्रोच क्या होता है कैसे कैलकुलेट किया जाता है, या फ्रेंड्स इसका एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस क्या होता है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पॉप ऑन डिस्कशन में आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच।